आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। अमेरिका में पीएम मोदी के इस दावे को आज राज्यसभा में मोदी सरकार के ही शिक्षा मंत्री ने कोरा झूठ साबित कर दिया है। मोदी ने अमेरिका दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए बताया था कि भारत में प्रत्येक वर्ष एक आईआईटी और एक आईआईएम बन रहा है, जबकि मानसून सत्र में मोदी सरकार के ही शिक्षा विभाग ने राज्यसभा में बताया कि मोदी का ये दावा खाली जुमला है, झूठा दावा है। बताया है वर्तमान में देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम संस्थान मौजूद हैं, जबकि पिछले 5 वर्ष से देश में एक भी नया आईआईटी आईआईएम नहीं बनाया गया है। अब मोदी सरकार के इस आधिकारिक बयान को सामने रखकर लोग मोदी को झूठा और जुमलेबाज बता रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने दावा किया था कि भारत में प्रतिवर्ष एक आईआईटी और एक आईआईएम बनाया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया था कि प्रतिदिन एक स्कूल, हर हफ्ते एक कॉलेज और महीने भर में एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। पीएम मोदी के झूठ का खुलासा राज्यसभा में मोदी सरकार के ही शिक्षा मंत्रालय ने किया तो लोगों ने मोदी को झूठा और जुमलेबाज बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा है, पीएम मोदी झूठ क्यों बोलते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा, काहे इतना झूठ बोलते हो प्रधानमंत्री जी, व्हाई ही इज ए कंपल्सिव लायर। अलका लांबा ने कहा, झूठों की सरकार के सरदार मोदी जी झूठ बोलते पकड़े गए हैं, संसद में लिखित जवाब में बेनकाब हो गए, झूठ बोलो बार बार बोलो, पीएम मोदी आईआईटी में कोई आई का मतलब भी बता सकते हैं। मोदी को उनकी ही सरकार ने एक्सपोज कर दिया है। देशवासियों से झूठ बोलना मोदी सरकार की आदत बन चुकी है। रजत यादव ने लिखा, अब ऐसे आदमी को झूठा ना कहा जाए तो और क्या कहें? ऐसा झूठ बोलो कि खुद की सरकार के पास बचाव के ऑप्शन बचे रहें। अगर हर साल एक आईआईटी आईआईएम बने तो पिछले 5 साल का आंकड़ा 0 कैसे हो सकता है? गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।